योनो SBI आप इसमें लॉगिन करना चाहते हैं लेकिन इसमें यूजर नेम और पासवर्ड गलत बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है, तो इसमें किस प्रकार से लॉगिन करना, और भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको बता दूंगा और इसमें मैं आपको सक्सेसफुली लॉगिन भी कर दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने योनो SBI ऐप ओपन कर लिया, जो भी परमिशन मांगते हैं यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको यकीन हो जाए। तो गाइस उसके बाद में रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से प्रॉब्लम आती है और कैसे उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर उसके बाद हमें सिम सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर हो, ठीक है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद होगा यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर हमें वेट करना है और यहाँ पर से ये SMS कटता है, ठीक है, ये वेरीफाई करता है। उसके बाद हम इसको ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पर। उसके बाद हम प्रोसीड का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ और आगे फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो गाइस यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा गया है। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रॉब्लम है यहीं पर ही होती है। तो यहाँ पर क्या है कि OTP नहीं आता है। अगर हम रिसेंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इनवैलिड दिखा देता है, यूजर नेम पासवर्ड, मैं आगे आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर OTP की है, OTP नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से इन्होंने दिखा दिया है इन्होंने, ठीक है, वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड इस प्रकार से दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो सारी जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ OTP की है। तो यहाँ पर अगर हम मैसेज में चलता हूँ मैं आपको लेकर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार के OTP आते हैं। नहीं इसमें कोई OTP है, कुछ नहीं, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लमों का सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या, गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद में SBI सर्च करना है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। उसके बाद हमका यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है ऊपर वाले पर, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू टू लॉगिन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर नीचे देख लीजिए, अगर आपका यूजर नेम याद नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो किसी पर एक पर भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक करना है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह दिख जाए। तो उसके बाद में इसके जो कॉलम है ना इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड और फॉरगेट यूजर नेम, तो जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर सेट लॉगिन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाय ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं हम, ठीक है, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो इसमें आप अगर आपको जो चाहिए वो इसमें आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर आपको यूजर नेम नहीं पता है तो वो भी इसमें आप पता कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं यूज़र नेम जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है तो CIF नंबर डालना है, कंट्री डालनी है, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालेंगे, सबमिट कर देना। OTP आएगा, OTP डालने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, इतना ही काम है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, उसमें आपको बता दूँ किस प्रकार से आप अपना यूजर नेम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पासवर्ड पता करना है, तो यूजर नेम डालना, अकाउंट नंबर और यहाँ पर कंट्री, ठीक है, ये सारी इसमें जो भी डिटेल डाल देनी। उसके बाद में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। तो यहाँ पर सारी जो OTP है OTP मैं इसमें डाल देता हूँ और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बस कई एक ही है। इसमें क्या है कि जो ये हमारे जो पासवर्ड होते हैं ये हमको चेंज करने होते हैं, ये कभी 8 महीने में कभी 6 महीने में इस प्रकार से ऑटोमेटिक ही हो जाता है, ठीक है, ये लॉगिन नहीं कर पाता है योनो SBI। तो इसमें क्या है कि हमें चेंज करने होते और हमारी सिक्योरिटी के लिए किया गया है ये सब कुछ, ठीक है, ताकि हमारा जो पासवर्ड अगर मान लीजिए किसी को गलती से पता चल जाए तो हम वो ज़्यादा उसका यूज ना कर पाए और हम इसमें आसानी से पासवर्ड बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका जो पासवर्ड डाल देता हूँ वो कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद उनका यहाँ पर आप देख लीजिए यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स और यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू किस प्रकार से करना चाहेंगे और यहाँ पर रिसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन के थ्रू करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पहले ATM कार्ड के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर क्या है, जो भी एक्टिव कार्ड हैं वो दिख जाएंगे और अदर कार्ड्स हैं जो कि एक्सपायर होंगे वो भी दिख जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हैं। तो जो एक्टिव कार्ड है वो यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में कन्फर्म का ऑप्शन आएगा आपको, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद में यहाँ पर कार्ड की डिटेल डालनी, कार्ड होल्डर नेम और वैलिडिटी डाल देनी है, पिन डालना है और कैप्चा डालने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करना है। मैं हो सकता है आपको ना दिखा पाऊँ क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से क्या करना है यहाँ पर।
तो क्या यहाँ से मैं बैक ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने प्रोफाइल के थ्रू यहाँ पर इसमें यहाँ पर जो लॉगिन पासवर्ड इनको रीसेट करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारे से सब कुछ मुझको करना होगा, इसमें दोबारा आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा मिलता हूँ आपको। तो इस प्रकार से दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पर दोबारा से आना होगा यहाँ पर सब कुछ कर कर, ठीक है। तो मैं आता जाऊँ दोबारा, तो यहाँ पर देख लीजिए यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड आ गया है। तो प्रोफाइल पासवर्ड इसमें डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो मेरा प्रोफाइल पासवर्ड है वो इसमें डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन देख लेना, मैंने बताया किस प्रकार से बना सकते हैं आप, ठीक है, उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाना और कन्फर्म करना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं फटाफट इसमें कर लेता हूँ जो मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी दिया गया है यहाँ पर, इस प्रकार के बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप इस तरीके का देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही बनाएं, ठीक है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ये, और आप जो आपको पसंद है आप नेम डालें या कुछ भी डालें आपके ऊपर वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना लिया, जैसे देख सकते हैं योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली बन चुका है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, रीसेट हो चुके हैं मेरे यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पर मैं योनो SBI में आता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ और ऐप इन्फो में जाना है, उसके बाद में जो भी इसका क्लियर डेटा है इसको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका, और उसके बाद में यहाँ से मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद में दोबारा इसको ओपन करना है। अब ये स्टार्टिंग से जो भी परमिशन मांगे वो अलाउ करनी होगी, यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेती है ओपन होने में। तो भाई उसके बाद में जैसे जैसे मैंने आपको बताया आपको सब कुछ फॉलो करना अच्छी तरह, ठीक है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में उसको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपकी कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं, कहीं पर भी बता सकते हैं आप। तो रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ करना है, सिम सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अलाउ करना है। ध्यान रखना है इसमें वो सिम भी होनी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाई करती है यहाँ पर जो भी हमारा मोबाइल नंबर है उनको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, इनका जो सिस्टम चेक कर रहा है। यहाँ पर प्रोसीडर का ऑप्शन आ गया है, जैसे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो उसके बाद में एक OTP आएगा, OTP देख लीजिए, एंटर OTP का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा और उसके बाद में OTP भी इसमें आ जाएगा, पहले नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद आपको ऊपर भी दिख जाएंगे अभी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अभी OTP आ चुका है, यहाँ पर कॉपी वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, कॉपी कर लिया यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर देख लीजिए ये आ गया, UNSB आएगा, आप अच्छी तरह देख लीजिए, दो यहाँ पर OTP आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको, उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंसेंट हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर टिक लगाना होगा इस कॉलम में और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आप इनको पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर MPIN बनाना होगा, सेट करना होगा आप, ठीक है, कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो किस प्रकार से करेंगे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो बना दूंगा। अभी तो शायद नहीं बन पाई जब अभी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं बना दूंगा, आप चेक कर लेना। अगर बना दूंगा तो आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं MPIN इसमें डाल लेता हूँ सक्सेसफुली, ठीक है, और री एंटर करना है, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है, ओके का ऑप्शन आ गया है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पर मैं इसमें सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। आपको अच्छी तरह पता है अगर आप इसका पहले यूज कर चुके हैं तो इस प्रकार के जब ये आता है जब हम इसमें लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये ऊपर ऑप्शन भी आ चुका है, आप देख लीजिए यू सक्सेसफुली यहाँ पर मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने बैलेंस भी चेक कर लेता हूँ जिससे कि आपको यकीन हो जाए। और यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको अपना बैलेंस भी दिखा रहा हूँ आगे। तो भाई इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं। मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया किस प्रकार से क्या करना है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझको बता देना। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस चेक कर रहे हैं आप, UNSBI में यहाँ पर बैलेंस देख लीजिए, इतना बैलेंस मेरा बचा हुआ है अभी, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि पर्सनल डिटेल्स होती है, आप अच्छी तरह समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो भाई एक माई रिवर्स का ऑप्शन होता है, अगर हम यहाँ पर जो हमारा ATM कार्ड है उसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं तो उसके बदले हम कुछ यहाँ पर रिवर्स मिलते हैं, ठीक है। इनको हम रिचार्ज करने में यूज ले सकते हैं, किस प्रकार से लिया जाता है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं आप, ठीक है।
तो गाइज इस प्रकार से यहाँ पर मैंने सारे प्रॉब्लम इस वीडियो में बता दिया है। गाइज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को और वीडियो को करना लाइक, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो गाइज बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।